अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिपल्स। बहुत से बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि मैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाकर वहां पे आपको फिजिकली वीडियोस बनाकर दिखाऊं, वहां की टोटल इन्फॉर्मेशन दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं मैं आज वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आया हूं और आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग आज क्लियर करूंगा, इंक्लूडिंग यानी कि यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, उसकी जो लाइब्रेरी, उसकी क्लासेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको आज क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूटीफुल वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो। जी तो गाइस, ये है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे स्टूडेंट्स, फॉरनर, चाइनीज सब यहाँ पे जो है स्टडी के लिए आते हैं। ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आप लोगों को जो है स्टडी के लिए लाया जाता है। बाकी इसके अलावा जो है बाकी भी कैंपस वगैरह है, बाकी हॉस्टल वगैरह भी हैं, बट ये जो है मेन कैंपस, मेन इनकी बिल्डिंग है स्टडी के लिए। और ये हॉस्टल के भी करीब ही है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी बिल्डिंग है। एक अच्छा ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये मेन जी तो गाइस, अभी हम चलने लगे हैं आगे लाइब्रेरी के पास और उसी के साथ साथ हम जो है जो कैंपस है इनका, एक मेन कैंपस एक और है, वो भी आपको दिखाएंगे आगे जाके, जहाँ पे स्टडी के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं। वो अच्छा कैंपस है, वो भी आपको दिखाया जाएगा, और साथ लाइब्रेरी और फिर उसके बाद हॉस्टल वगैरह एक एंड एवरीथिंग। सो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी। ये है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। अभी हम चलते हैं अंदर, आपको अंदर से जो है इसके शॉट दिखाएंगे, ठीक है? तो सो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं जो लाइब्रेरी है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी बिल्डिंग की हूँ, और इससे टोटल जो है पूरी यूनिवर्सिटी का व्यू आ रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यूनिवर्सिटी के अंदर, गर्मी होने के बावजूद जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, डिफरेंट जो है फ्रूट्स के जो है यहाँ पर दरख्त वगैरह और बाकी जो ग्रीनरी के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पर ग्रीनरी पर। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये लेक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि वुहान यूनिवर्सिटी, वुहान जो सिटी है उसके अंदर राउंड अबाउट 5000 लेक्स हैं, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी जो है हर तरफ से जो है लेक से कवर्ड है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं इस तरफ से, ये मेन बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है मेरे सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाइस, अभी हम आ चुके हैं इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग में और आपको दिखाते हैं, ये बहुत प्यारी सी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, तो अंदर से भी आपको दिखाते हैं, इसकी क्लासेज भी दिखाएंगे और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की क्लासेज यहाँ पे बनाई गई है वो भी आप सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अभी जाके आगे दिखाते हैं। हम मौजूद हैं इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग में, जहाँ पे बच्चों को जो है स्टडी भी यहाँ पे करते हैं बच्चे, उसके साथ साथ यहाँ पे इनकी ICE इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज भी यहाँ पे मौजूद है, जो डील कर रहा था फॉरनर्स को, बट वोकेशंस की वजह से, क्योंकि समर वोकेशंस चल रही हैं, तो उस वजह से क्लासेज अभी क्लोज हैं बिल्कुल, विदाउट टीचर्स कार्ड इसको ओपन नहीं किया जा सकता। सो बाकी यह है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और इसकी जो क्लासेज हैं वो भी देखने में बहुत आउटस्टैंडिंग है, बट यह है कि अभी हम अंदर नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीज़न। तो अभी बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं, हॉस्टल और बाकी चीज़ें भी रहती आगे जाकर। जी तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा और बहुत ही जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया गया है, क्योंकि इनडोर एक्टिविटीज़ जितनी भी है उनके लिए ये बनाया गया, लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन सब के लिए यह फ्लोर बनाया है। इसके साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे जो है बास्केटबॉल कोर्ट्स और डिफरेंट कोर्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह बैडमिंटन कोर्ट भी यहाँ पे बना हुआ है, ये आप सब देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, खेल के लिए भी और स्टडी के लिए भी हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई गई है यहाँ पे।
जी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं जो वुहान यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैंटीन है, कैंटीन दिखाते हैं आपको। इसमें हलाल पोर्शन छुट्टियों की वजह से देखते हैं ओपन है तो ठीक है, अगर छुट्टियों की क्लोज है तो आपको वैसे दिखा देंगे। अदरवाइज ये हलाल कैंटीन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी जो स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट वो यहाँ पे अगर बाहर खाना चाहे तो यहाँ पे आ खा सकते हैं। तो गाइज ये है हॉस्टल, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हॉस्टल है। यहाँ से एंट्रेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके यहाँ पे जो है एंट्रेंस के लिए इन्होंने लगाया हुआ, यहाँ पे सिस्टम में प्रॉपर फेस स्कैनिंग और बाकी कार्ड वगैरह स्कैन किया जाता है और यहाँ से एंटर होके इस तरफ जो है यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फर्निश किया हुआ हॉस्टल है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने पानी वगैरह जूस बाकी भी कोई चीज़ अगर आपको या किसी वक्त आपने लेनी हो तो यहाँ से आप जो है पे करके यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ये देखेंगे फर्स्ट फ्लोर है और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्पेशली यहाँ पे जी गाइस। तो ये है यहाँ पे रूम है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये टेबल है, इसकी तो चेयर और ये साइड ये स्टडी टेबल वगैरह है, उसके साथ साथ बेड है और प्रॉपर बेड्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर बेड्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रिलैक्स। और इसी के साथ साथ यहाँ पे साइड टेबल और ये बाकी चीज़ें जो कबर्ड वगैरह भी दी गई है, एयर कंडीशन रूम में है और बहुत बेहतरीन अच्छी चीज़ यहाँ पे, मतलब कि प्रॉपर फैसिलिटीज इसके साथ दी गई है जी। तो इसी के साथ यहाँ पे अटैच बाथरूम वगैरह भी हैं और यहीं पे सिंक वगैरह और बाकी चीज़ें भी यहीं पे साथ ही हैं। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सिंक और ये स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ हैं, सामान इस तरह ही पड़े, बट ये कि हर चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पे। ये बाथरूम है, ठीक है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे मिरर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। ये तो गाइस ये है वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एसोसिएटेड हॉस्पिटल। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है पीछे, ये टोटल हॉस्पिटल है इनका। यहाँ पे इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर में जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है। तो गाइस ये था हमारा आज का जो ब्लॉग वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। आपने देखा यूनिवर्सिटी के कितने सारे मतलब के यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, उसकी क्लासेस, उसकी जो है कैंटीन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी आप लोगों को क्यूरीज हैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है फॉर एडमिशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। किसी भी वक्त आप कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके एडमिशन का भी स्टार्ट करूँगा और आप लोगों का एडमिशन कंफर्म करूंगा वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।